नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसा मेरा डॉक्यूमेंट्स है वैसे आपका भी एक डॉक्यूमेंट्स है। हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है सच, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सो एंड सो, देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देर। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, प्रीमियम डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, बहुत तरीके का डॉक्यूमेंट्स होता है। हमें जो अपना डॉक्यूमेंट्स है, इट्स आवर राइट टू कीप इट इन अ कस्टडी। अगर मान लीजिए कल को हमारा डॉक्यूमेंट्स कोई इंसान उसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए लाइबिलिटी हमारा ऊपर ही आएगा। तो इस वीडियो में मैं एक न्यू सिस्टम का स्कैम बताने वाला हूँ जो कि हमारा हिंदुस्तान में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। वो स्कैम ये है कि काफ़ी सारा मजदूर, लेबरर, दोस्त वर्किंग इन अ मार्जिनलाइज सेक्टर, उनका बारे में ये पता चला है कि जो वर्कर, दोस्त वर्क फ्रॉम आउटसाइडर, वो लोगों का डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज इन द सेंस सम पर्सन टेकिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड दे यूज टू बाय अ व्हीकल इन दियर नेम। मान लीजिए आई एम अ लेबर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है, इन माई डॉक्यूमेंट्स अगर मान लीजिए 10 या 12 लाख रुपये का कुछ भी चीज़ें लिया जाता है, थिंग्स माइट बी एनी थिंग, तो उसका क्या होगा? आई विल बी ए लाइबल, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स यूज हुआ है। अकॉर्डिंग द रूल ऑफ लॉ, डॉक्यूमेंट्स कस्टडी में रखना है। और ख़ास करके आजकल ये देखा गया है कि हमारा जो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड है उसका मिसयूज काफ़ी सारा हो रहा है, क्योंकि ओब्वियसली पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आर लिंकेड टू आवर बैंक अकाउंट। हमारा जो बैंक अकाउंट है उसके साथ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का लिंकेज ज़रूरी है। और हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम किसको ये डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। आपको जिसके ऊपर भरोसा नहीं है उसको जरूर बिल्कुल मत भेजिए। नो नीड टू सेंड, यू जस्ट सेंड योर नेम, सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस है, आपको आना है तो आओ। डॉक्यूमेंट्स में तो अल्टीमेटली एड्रेस ही रहता है, क्यों हम अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे? आधार कार्ड और पैन कार्ड गलती से भी किसी से भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि नाउ डेज एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दिस टू डॉक्यूमेंट्स, आधार एंड पैन। आधार पैन बैंक के साथ लिंक है, वेदर इफ़ यू हैव इंश्योरेंस, LPG कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जो भी कनेक्शन है, हर एक कनेक्शन में आपका आधार और पैन रिलेशन है। तो जो मैं देखा हूँ, मैं सुनाई वाला बात नहीं बोलता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, मैं खुद फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम। आई एम नॉट फेसिंग, बट समवन इज फेसिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। ओब्वियसली कोई इंसान मेरे को आके ये बात बोला, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है कि वीडियो बनाने के ऊपर। मेरे को यूट्यूब में मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 5 साल से हूँ, पैसा मिले या ना मिले उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यूट्यूब तो कुछ भी नहीं है। द थिंग इज दैट जो रियलिटी है उसके ऊपर मैं आप सबको बता रहा हूँ कि और एक जगह गड़बड़ हमेशा होता है। जहाँ हम जेरोक्स करते हैं उधर हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है, एक कॉपी डाल रहा है, दो कॉपी डाल रहा है, क्या पता वो आपका डॉक्यूमेंट्स एक कॉपी और एक्स्ट्रा जेरोक्स करके रख रख भी सकता है। वो किसी थर्ड पर्सन को दे देगा, वो थर्ड पर्सन आपका नाम पे सामान वगैरह ले लेगा। द थिंग इज़ दैट पहले के ज़माने में तो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा था, आजकल तो एवरीवन इज़ लिटरेट। बट हमें जो अपना सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर हमेशा ये सिग्नेचर डालिए जो कि किसी के लिए आसान ना हो, वो सिग्नेचर को डुप्लीकेसी करने के लिए। बट द थिंग इज़ दैट फिर भी ऐसा हो ही रहा है। देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ टू डुप्लीकेसी द सिग्नेचर। जैसा कि मेरा जो सिग्नेचर है काफ़ी टफ है, बट ऐसा भी लोग हैं दुनिया में जो कि मेरा क्या, दुनिया में कितना भी डेंजर सिग्नेचर क्यों ना हो उसका भी डुप्लीकेसी कर देगा। तो हमें जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है, अगर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को किसी काम के लिए मेरा डॉक्यूमेंट्स यूज़ करना है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स जो हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका साइज इतना इतना है, तो जहाँ से साइज़ ख़त्म होता है उधर ही से लिखना शुरू कर दीजिए।
सो देन दे कैन डुप्लीकेट योर कार्ड. उसमें लिखिए दिस डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड फॉर दिस सो एंड सो रीजन. मैं इस डॉक्यूमेंट को इस पर्पज़ के लिए सबमिट किया. मान लीजिए मैं किसी चीज़ को कोरियर कर रहा हूँ, मैं आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, सपोज आई एम गुवाहाटी से मैं शिमला के लिए कुछ चीज़ सबमिट कर रहा हूँ, तो मैं गुवाहाटी से शिमला के लिए ये चीज़ सबमिट करने के बिहाफ पर मैं अपना ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया. आज इतना तारीख को मैं सबमिट किया है ये डॉक्यूमेंट्स. मैं इसी चीज़ के लिए सबमिट कर रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना अनिवार्य है, अदरवाइज ये चीज़ सबमिशन नहीं लेगा. तो ऐसे सिग्नेचर करके अपना नंबर वगैरह डाल दीजिए सो दैट दे कान मिस यूज इट. लेकिन लिखिए उसमें ज़रूर कि आपका डॉक्यूमेंट जो सबमिशन हो रहा है किस रीज़न की वजह से सबमिशन हो रहा है. और एक बात कल को बताऊंगा कि हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में लेना है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी मिसयूज ना हो. अगर मान लीजिए कल को मैं इफ़ आई यूटिलाइज योर डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ यू, आप कोई भी हो, मैं आपको जानता नहीं, बट इफ़ आई गेट योर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इज़ अ प्राइमरी एविडेंस. अगर कुछ भी पेपर में होता है एज पर द रूल ऑफ लॉ दैट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस. रूल ऑफ लॉ का अकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस सबसे किफ़ायती माना जाता है. दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट एविडेंस अकॉर्डिंग टू दैट हम किसी चीज़ को साबित करते हैं. अगर आपका डॉक्यूमेंट से मेरे को मिल जाएगा तो आई कैन ईजिली मिस यूज इट. सो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसका मिस यूज ना हो इसके लिए हमको सतर्क होना ज़रूरी है. और हमारा कहीं पर भी इफ़ यू विल सबमिट अ डॉक्यूमेंट्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हमें हमेशा ये सब चीज़ें लिखने का अनिवार्य है. तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. शुक्रिया.